मसल फिजियोलॉजी सीरीज के पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। पार्ट वन में हमने मसल्स के इंट्रोडक्शन और उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस मसल्स थ्री टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। लिंक ऑफ दैट वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्केलेटल मसल के फाइबर्स की बात करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स को उनकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज की वजह से, मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से और कितना जल्दी कोई मसल फटीग हो सकती है उस बेसिस के ऊपर स्केलेटल मसल फाइबर्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज टाइप वन स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड सेकेंड इज टाइप टू स्केलेटल मसल फाइबर्स। फर्स्ट इज टाइप वन स्केलेटल मसल फाइबर्स। टाइप वन स्केलेटल मसल फाइबर्स की बात करें तो उनको स्लो टाइप फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर्स भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज ये मसल फाइबर्स स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड देयरफॉर दे आर मोर सूटेड फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटीज। एंड्योरेंस एक्टिविटी मीन्स ये मसल्स रिपीटेटेड मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकती हैं और कंटिन्यूस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है विदाउट गेटिंग फटीग्ड क्विकली, लाइक रनिंग और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। इसके अलावा दे आर ऑल्सो नोन एज स्लो ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर्स। ऑक्सीडेटिव मीन्स ऑक्सीजन का यूज करके ATP बनाते हैं, दैट इज बाय एरोबिक रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। ATP मसल फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी सोर्स के फॉर्म में वर्क करती है एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन मोर डिटेल इन फर्दर पोर्शन ऑफ द वीडियो। सेकेंड इज टाइप टू स्केलेटल मसल फाइबर्स। इनको फास्ट टाइप फाइबर्स भी बोलते हैं और फास्ट ट्विच फाइबर्स भी बोलते हैं बिकॉज ये फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन कंपेयर्ड टू टाइप वन स्केलेटल मसल फाइबर्स। और किस प्रोसेस के थ्रू स्केलेटल मसल फाइबर्स ATP प्रोडक्शन कर रहे हैं उस बेसिस के ऊपर टाइप टू स्केलेटल मसल फाइबर्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है इन टू कैटेगरीज, दैट इज टाइप टू ए स्केलेटल मसल फाइबर्स जो ऑक्सीजन का यूज करके ATP प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड नेक्स्ट इज टाइप टू बी स्केलेटल मसल फाइबर्स जो ATP प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, दैट इज बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड हियर इज द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट बॉडी की सारी स्केलेटल मसल्स के अंदर हर टाइप का स्केलेटल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होता है, बट जो स्केलेटल मसल फाइबर्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी मसल में वो उस मसल का नेचर डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग मसल अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। Now we will discuss about each type of skeletal muscle fiber in detailed form depending upon various characteristics. First is type. Type 1 skeletal muscle fibers जो है वो slow type के muscle fibers होते हैं क्योंकि वो slowly contract करते हैं और they are also known as slow oxidative fibers, means वो slowly contract करते हैं और oxygen का use करते हैं ATP form करने के लिए। Then type 2A muscle fibers fast oxidative fibers होते हैं, means as compared to type 1 fibers फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं ATP फॉर्म करने के लिए। देन टाइप 2B स्केलेटल मसल फाइबर्स, इनको फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स भी बोलते हैं बिकॉज ये मसल फाइबर्स भी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बट ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं ATP फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ मसल फाइबर्स, मीन्स मसल फाइबर्स की थिकनेस कितनी है। टाइप 1 मसल फाइबर्स का डायमीटर कम होता है, टाइप 2A मसल फाइबर्स का डायमीटर मीडियम होता है, मीन्स इन बिटवीन टाइप 1 फाइबर एंड टाइप 2B फाइबर। एंड टाइप 2B मसल फाइबर्स का डायमीटर लार्ज होता है, लार्जेस्ट अमंग ऑल मसल फाइबर्स। देन देयर इज साइज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। जनरली जितना लार्जर मोटर न्यूरॉन्स का साइज होता है उतनी ही ज्यादा उनकी कंडक्शन स्पीड होती है और मसल उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड वाइस वर्सा। सो टाइप 1 मसल फाइबर्स को स्मॉल साइज मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं जिसकी वजह से न्यूरॉन्स के अंदर कंडक्शन स्पीड भी स्लो होती है एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड द स्लोअर मसल कॉन्ट्रैक्शंस इन टाइप 1 मसल फाइबर्स। टाइप 2A मसल फाइबर्स को मीडियम साइज्ड मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं, देयरफॉर दे कॉन्ट्रैक्ट फास्ट एज कंपेयर टू टाइप 1। एंड टाइप 2B मसल फाइबर्स को लार्ज साइज्ड मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं, देयरफॉर दे आर फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फाइबर्स। नेक्स्ट इज कंडक्शन स्पीड। सिंपल है, अगर न्यूरॉन्स का डायमीटर ज्यादा होगा तो कंडक्शन स्पीड ज्यादा होगी बिकॉज रेजिस्टेंस कम है और वाइस वर्सा। सो टाइप 1 फाइबर की कंडक्शन स्पीड कम होती है बिकॉज ऑफ द लेस मोटर न्यूरॉन डायमीटर। टाइप 2A मसल फाइबर्स की कंडक्शन स्पीड फास्ट होती है एंड टाइप 2B की फास्टेस्ट कंडक्शन स्पीड होती है। नेक्स्ट इज ATP प्रोडक्शन, मीन्स मसल फाइबर ATP किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर रही है उस बेसिस के ऊपर टाइप 1 मसल फाइबर एरोबिक प्रोसेस के थ्रू ATP प्रोडक्शन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल्स, मीन्स ऑक्सीजन यूज करते हैं। टाइप 2A मसल फाइबर्स भी एरोबिक प्रोसेस के थ्रू ATP प्रोडक्शन करती है एंड टाइप 2B की बात करें वो ATP प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं करती है, दैट इज बाय एनएरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। टाइप 1
मसल फाइबर्स के अंदर, बिकॉज ये क्रैब साइकिल के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन करते हैं और क्रैब साइकिल का कुछ प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है. देयरफॉर टाइप वन मसल फाइबर्स के अंदर हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. टाइप टू ए में भी एरोबिक प्रोसेस के थ्रू ही एटीपी प्रोडक्शन होता है. देयरफॉर मेनी माइटोकॉन्ड्रियास आर प्रेजेंट बट लेसर देन टाइप वन फाइबर्स. एंड टाइप टू बी में बहुत कम माइटोकॉन्ड्रियास प्रेजेंट होते हैं बिकॉज एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस वी एनएरोबिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज मायोग्लोबिन कॉन्टेंट. जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है विच इज अ प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड डिलीवरिंग द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, लाइकवाइज मसल्स के अंदर भी एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज मायोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं और जब भी मसल्स को नीड होती है तब ऑक्सीजन को रिलीज करता है, स्पेशली ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस. सो टाइप वन फाइबर्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए. देयरफॉर दे नीड हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी. इसके लिए उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से टाइप वन मसल फाइबर्स रेड कलर में शो होते हैं. टाइप टू ए मसल फाइबर्स में भी हाई अमाउंट में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, लेस इन कंपैरिजन विद टाइप वन, एंड दे आर आल्सो शोज एज रेड इन कलर. टाइप टू बी की बात करें तो उनके अंदर कंपैरेटिवली बहुत कम मायोग्लोबिन कंटेंट प्रेजेंट होता है, देयरफॉर दे अपीयर्ड व्हाइट इन कलर. नंबर ऑफ कैपिलरीज की बात करें तो टाइप वन के अंदर हाई अमाउंट में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है फॉर ऑब्वियस रीजंस एज दे नीड ऑक्सीजन फॉर एटीपी प्रोडक्शन. देन इन टाइप टू ए also high amount of capillaries but lesser than type 1 fibers, and in type 2b few amount of capillaries are present. Next is myosin ATPase activity. Now let's first understand ki myosin ATPase kya hota hai. Myosin ATPase ek enzyme hota hai jo ki muscle cells ke andar present hota hai. Ye enzyme ATP molecule jo that is also known as adenosine triphosphate jo ki muscles ki energy source hota hai usko break down karke energy release karte hain और एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है. जब ये एनर्जी रिलीज होती है इसकी वजह से जो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सच एज एक्टिन एंड मायोसिन, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो टाइप वन मसल फाइबर्स की बात करें तो इसके अंदर मायोसिन एटीपीज की एक्टिविटी कम होती है बिकॉज ये स्केलेटल मसल फाइबर्स स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब भी एनर्जी रिलीज होती है उसको ग्रेजुअली यूज करते हैं ताकि रिपीटेड और कंटिन्यूस मूवमेंट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए परफॉर्म किया जा सके फॉर एंड्योरेंस. Whereas in type 2A muscle skeletal fibers, उनके अंदर moderate amount में myosin ATPase activity देखने को मिलती है जो कि faster contractions को produce करने में helpful होती है as compared to type 1 skeletal muscle fibers. But they done it with some endurance. तो ये fibers उन activities में perform करते हैं जहाँ पर speed और stamina दोनों की requirement होती है. And next is type 2B. यहाँ पर हाई myosin ATPase activity देखने को मिलती है which is responsible for fast and powerful contractions of the muscle. इसलिए ये मसल टायर्ड भी जल्दी हो जाती है. सो दीज टाइप ऑफ मसल फाइबर्स आर आइडियल फॉर क्विक इंटेंस मूवमेंट्स लाइक वेट लिफ्टिंग एटसेट्रा. लेट्स डिस्कस अबाउट द फटीग रेट. टाइप वन मसल फाइबर्स की फटीग रेट बहुत कम होती है इसलिए वो लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह सकती है. सो दे कैन एक्ट फॉर लॉन्ग लास्ट फॉर इवन आवर्स. टाइप टू ए मसल फाइबर की फटीग रेट मीडियम होती है, दे कैन एक्ट फॉर मिनट्स. एंड इन टाइप टू बी मसल फाइबर्स फटीग रेट सबसे ज्यादा होती है, मीन्स वो जल्दी टायर्ड हो जाती है एंड दे कैन ओनली एक्ट फॉर सेकेंड्स. नेक्स्ट इज कैल्शियम पंपिंग एक्टिविटी और कैपेसिटी ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज SR एक स्पेशल टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि मसल सेल्स के अंदर पाया जाता है. इसका मेन फंक्शन होता है कैल्शियम, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस और मसल रिलैक्सेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस कैल्शियम आयन को स्टोर करना और रिलीज करना व्हेनेवर नीडेड. बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज टू रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स इन मसल फाइबर्स टू इनेबल स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट्स. सो टाइप वन मसल फाइबर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैल्शियम पंपिंग एक्टिविटी जो होती है वो लो होती है बिकॉज दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ग्रेजुअली और स्लोली. ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को लॉन्गर पीरियड के लिए सस्टेन कर रखती है. सो देयर इज नॉट दैट मच नीड ऑफ रिपीटेड कैल्शियम रिलीज एंड अपटेक एज द कॉन्ट्रैक्शंस आर स्लो एंड स्टेडी. वेयर इज इन टाइप टू फाइबर्स कैल्शियम पंपिंग एक्टिविटी जो होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू टाइप वन फाइबर्स. रीजन इज क्लियर. एंड इन टाइप टू बी higher calcium activity is present as there is need of faster contractions. Next is twitch duration. Twitch basically means contractions. Muscle में जो single contraction देखने को मिलता है in response to a single electrical stimulus, उसको ही twitch कहते हैं. बहुत fast होता है and it is followed by brief relaxation of the muscles as well. So twitch duration की बात करें तो type 1 muscle fibers के अंदर large twitch duration होता है as there is need of sustained and longer muscle contractions. In type 2A muscle fibers, there is smaller twitch duration as compared to type 1. Or in type 2B, there is the smallest twitch duration. Now let's talk about
the examples of each type of skeletal muscle fibers, कि कौन सी मसल किस टाइप की होती है वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टाइप वन मसल फाइबर्स, वो मसल्स जो कि मैराथन्स, लॉन्गर वॉकिंग, रनिंग जैसी एक्टिविटीज में वर्क करती है, और मसल्स जो कि पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है, लाइक प्रॉक्सिमल बैक मसल्स. ये सारी मसल्स टाइप वन मसल फाइबर की कैटेगरी के अंदर आती है. सेकेंड इज टाइप टू ए मसल फाइबर्स, वो मसल्स जो कि 400 मीटर रनिंग और वॉकिंग करने में हेल्प करती है, बेसिकली लेग मसल्स लाइक क्वाड्रिसेप्स, जहां पर स्पीड और एंड्योरेंस दोनों की नीड होती है, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर टाइप टू ए मसल फाइबर्स. एंड टाइप टू बी मसल फाइबर्स में वो मसल्स आती है दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विकर और पावरफुल एक्शंस विच नीड इंस्टेंट पावर टू डू वर्क, सच एज जंपिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, बेसिकली मसल्स इन आर आर्म्स एंड लेग्स ड्यूरिंग शॉर्ट एंड एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स. इन एक्टिविटीज के अंदर जो मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है. एंड ऑल्सो फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स जो होते हैं लाइक इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, जो राइटिंग और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने, ऐसी एक्टिविटीज में हेल्पफुल होते हैं. एंड द ऑक्यूलर मसल्स जो कि फोकस करने पर पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऐसी एक्टिविटीज में हेल्पफुल होते हैं. इन मसल्स के अंदर दोनों टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज टाइप 2A एंड टाइप 2B स्केलेटल मसल फाइबर्स. Now quickly let's discuss about the functions of the muscles. First is body movement. Muscles contract करती है जिससे कि हमारी body parts move कर सकते हैं, like walking, running or waving our hand. Next is body position stabilization. Muscles body posture maintain करने के लिए और balance maintain करने के लिए helpful होती हैं. Basically they hold bones in their place to keep us standing, sitting or in any other position. Next is storage of substances. Muscles कुछ important substance को भी store करके रखती हैं, like glucose for energy whenever needed. And the last is heat generation. जब muscles contract करती हैं तो heat भी generate करती हैं जिससे कि हमारी body warm रह सकती है. तो ये रहा आज की video का snapshot जिसमें हमने discuss किया about types of skeletal muscle fibers and functions of the muscles. Thanks for watching.